Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome back to our 8th class. This is our second lecture. 8th class is rational number. Rational number Q se denote karte hain. Theek hai to Q ko divide denote bachein. Theek hai. Number represent bachein paya. Dinga the sir properties of rational number. Theek hai. Rational number hi chiz property hi hon. Theek hai. Okay. To sabse pehle ate select hamare paas property number closure property. तो चीन जो तो ध्यान से देखें ये क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है ठीक है तो पहला मतलब प्रॉपर्टी है क्लोजर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ अ रैशनल नंबर ठीक है तो रैशनल नंबर में से पहला जो मत इंटीजर दो वजह पहला जो मत नेचुरल लेकिन गत स्पिन चीन नेचुरल मेरा रैशनल नंबर आए इंटीजर रैशनल नंबर इन ठीक है पहला तो उदू समझने की कोशिश करेंगे ठीक है पहला उदू समझेंगे देखिए नाम संगति लगा फाइव है द फाइव को नेचुरल नंबर आए इंटीजर आए इन एवन जो रैशनल जरने का तो देखिए रैशनल इफ एपी अपॉन क्यू शक्ल है हां या अलिफ अपॉन भी जो भी जिसमें तो फाइव अपॉन वन बीइंग एन चैन एवन राइट तो पी अपॉन क्यू शक्ल हो गया फाइव अपॉन वन चाहे जो फाइव अपॉन टू चाहे मैं एन जरने का तो क्योंकि वन नाम समाइरस गार नंबर चिक वन ने डिवाइड कर तो बना द नंबर को क्रोनोलोजी ऐसा था जैसे मान लो मेरा पांच खुशी हो ठीक है या पांच टकी हो और दे पांच टकी नस नाराज हो तो मारा है आलस पर बस ठीक है पांच टकी नाराज होने या पांच आंसर क्वेश्चन तो 5 अपॉन 1 ना 5 चोजन ठीक है तो 5 अपॉन 1 पी अपॉन क्यू शेयर करूं 5 नंबर इसके इंटीजर इन द डिनोमिनेटर को 0 बराबर में नो तो ये रैशनल नंबर होता है इसी तरह जरा इंटीजर सांची रैशनल नंबर ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर आप पहला घुमा आते सिलेट क्लोजर प्रॉपर्टी जिन जो तो ठीक है अब सपोज ना तेस पहला घुमा लेने नेचुरल नंबर ठीक है नेचुरल नंबर आप लेते हैं ठीक है नेचुरल हम मैथ्स में ऐसे डिनोट करते हैं मतलब ऑपरेशन समझो ऑपरेशन चार है प्लस माइनस इंटू डिवाइड है ठीक है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन है ठीक है तो जो ऑपरेशन आपके पास है प्लस है माइनस है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड डिवीजन है ठीक है ये चार आपके पास ऑपरेशन हुआ राइट इसको सही से समझे ये चार ऑपरेशन है अब नाम सायरस कोई भी दो रैशनल नंबर सॉरी कोई भी दो नेचुरल नंबर लें अब ये इसका प्लस बस योंखानी आंसर पु यंग नेचुरल का तो ना गतिस जर्चिन नेचुरल नंबर क्लोज है ठीक है अंडर ये ऑपरेशन या ये ऑपरेशन या ये ऑपरेशन या ये ऑपरेशन ठीक है तो सबसे पहले हम आते हैं नेचुरल नंबर एडिशन में बोलेंगे ठीक है तो नेचुरल नंबर एडिशन मतलब कोई भी दो रैशनल नेचुरल नंबर लें और दूं इसका एड बोस ठीक है योंखा ने आंसर को यंग नेचुरल का तो ना आते हैं जर्चिन नेचुरल नंबर एडिशन के साथ क्लोज है ठीक है तो जैसे मान लो कोई भी दो एग्जाम्पल जैसे आते हैं जो टेन टेन प्लस टू था आंसर समोस टेन अंग नेचुरल इन दो नेचुरल इन दस टकी दो टकी प्लस बस पा आंसर पोस 12 राइट द 12 वो इन अ मैन नेचुरल जन्म का तो हां नेचुरल है तो 10 भी नेचुरल है 2 भी नेचुरल है आंसर पो नेचुरल ठीक है तो मतलब अच्छी समझो आते जैसे नेचुरल नंबर एडिशन या मो क्लोज दो तो जैसे नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन है ठीक है तो कोई भी दो तो मान लो आते नंबर इज में कोई भी दो नंबर आप ले लीजिए सपोज ए नेचुरल नंबर इन बी आर एस नेचुरल नंबर इन ए ने बी आर एस आर्बिट्री यानी रैंडम उठाया ठीक था अतः फिक्स मबज ने ठीक है और ए नेचुरल नंबर बी नेचुरल नंबर मान लो दें इसका प्लस बस है आंसर पुसी हो दियोंखा ने आंसर पर हमेशा नेचुरल हो चाहे देखे माते जर्चिन नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन नेचुरल नंबर प्लस नमो क्लोज होती है ये सबको समझ आ गया होगा ठीक है अब नाम सं तंगतंग मल्टीप्लिकेशन के साथ ना सब्ट्रैक्शन का सॉरी सब्ट्रैक्शन का नाम संगते इस नेचुरल नंबर इज लेन अब इन इसका सब्ट्रैक्ट बस योंखा ने आंसर पे नेचुरल नंबर योंची ना मेन जर नगा तो वो देखेंगे ठीक है सपोज नी लगा 10 टकी हो और वे 10 टकी है ना मस टकी इज जो सब्ट्रैक्ट बस आंसर समरूस 8 8 नेचुरल इन एवन 8 नेचुरल इन देख या आंसर नेचुरल आया अब सपोज यर इज 2-8 बस 2-8 बना आंसर समझो मत -6 देखिए दो चीजें हैं हमारे पास 8-2 बस पे जो आंसर 6 हो 2 8 अनैचुरल 2 अनैचुरल यूं खाने आंसर को नेचुरल ठीक है यहां पे खुश
लेकिन उल्टा वेद पर देता 2-8 बेस पर आंसर समोस नेगेटिव 6 जोस दी नेगेटिव 6 पु नेचुरल नंबर है चूंकि मैं देखिए मत जर्चिम नेचुरल नंबर जो है नेगेटिव के साथ क्लोज नहीं होता तो नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन समझ रहे हो दोस्तों ठीक है मल्टीप्लिकेशन के मो कोई भी दो नंबर लेन मल्टीप्लाई होस ठीक है तो जैसे मान लो मतलब लेने सिंपल सा एट नेचुरल नंबर है मल्टीप्लाई विद टू भी नेचुरल नंबर है 8 2 16 तो दिस 16 फॉर इन एन नेचुरल 16 अ नेचुरल नंबर इन ठीक है देखिए एक चीज देखो यहां पे ध्यान ये रखना मतलब नाम सम मत नज इस पे देखो दी सब्ट्रैक्शन पुना डिवीजन पु रिलेट है प्लस यानी एडिशन ना मल्टीप्लिकेशन आपस में इनका रिलेशन है मींस के रिलेशन है चीज ऐसे करने का तो मल्टीप्लिकेशन ये मतलब पुची इज यू प्लस ना तो छुद है बहुत सिंपल सा यानी टकिंग इज सिका टकी चुकल्स पर टकी 12 ठीक है मल्टीप्लाई मतलब ची टकी टकी आरटी का दो टकी का 4 मल्टीप्लाई था तो इसको ध्यान से देखिए है क्या मैथ्स का मल्टीप्लाई चेंज मल्टीप्लाई मतलब पॉइंट 8/2 यानी 8/2 16 चेनो मतलब चेनो जो जाने का तो 8 पेयर्स दो बार प्लस 8 पेयर्स ऐसे करो 8 दुनी 16 तो 8 प्लस 2 बार प्लस मतलब सो 8 ही काट कर बना 16 या और दो 8 बार भी 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 4 ता 6 8 10 12 14 16 आंसर को सुनो 8 into 2 मतलब जरीन 8 या ना 2 बार प्लस बोस या 2 8 बार प्लस बोस क्योंकि तो लंबा छेनो दियो 2 बार बोस ना राइट ये इसमें तो कोई इशू नहीं है दि लंबा मतलब कम बिफिया हमने क्या किया दि मल्टीप्लिकेशन को इंट्रोड्यूस किया मतलब चिंसू मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट सक्सेसिव एडिशन ऑफ ए नंबर्स है नंबर नतेस सक्सेसिव ऐड का तो बना तो ला मल्टीप्लिकेशन है बहुत सिंपल सा राइट समझ में आ गया होगा आई थिंक ठीक है तो मतलब शिव जो 8 2 जा 16 8 अ नेचुरल नंबर 2 नेचुरल नंबर यूं हनी आंसर पो नेचुरल नंबर ये तो मतलब इस गा दो नेचुरल नंबर ची अगर का तो मल्टीप्लाई तो उस यूं खनी आंसर पे मान लो सी जो हमेशा नेचुरल नंबर लो शाइन ठीक है तो मतलब जर्चिन नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन है ये बात भी समझ आई होगा क्लोज मतलब है ना समझ में आ गया ए नेचुरल नंबर बी नेचुरल नंबर ये आंसर पर नेचुरल नंबर लास्ट ऑपरेशन का था जो जो ना तो डिवीजन है दो नंबर यानी डिवाइड विद ठीक है डिवाइड को भी समझते हैं देखिए डिवाइड क्या है सपोज ये लगा मान लो हमारे पास जैसे हैं 8 कोशु हैं असर देखो 8 कोशु यू 8 कोशु डिवाइड बोस दो नफर ला 8 कोशु दो नफर ला डिवाइड बोस तो तुम सो आंसर जो चार चार हो जाए आंसर चार 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 हो जाए समझ ची आठ कुछ इतने दो नफर ला येरा चार बराबर सुन डिवाइड हम बराबर सोचे हैं एला पांच एला तीन में बराबर डिवाइड मतलब बराबर इक्वालिटी तो 8/2 = 4 असल में है क्या दी डिवाइड गुजरने का तो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इज सक्सेसिव एडिशन डिवाइड इज सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन पहला चीज बजू 8 पेना फिंग जो 4 पु यु लगो ए उस पुला 4 लुस ए ल 4 ता लुस खाली 4 पु यु लगो ए उस पुला ता चंग मलुस ठीक है जीरो रिमाइंडर जीरो चंग मलुस तो मता अच्छी सो यों खाली आंसर पु इसका 4 4 गत ठीक है लुशा चंग मलुस तो ये ना सम सो आंसर 4 आया अब द 4 पु इन में नेचुरल इन अ नेचुरल जरा का तो हां यहां पे नेचुरल है ठीक है 8 अनैचुरल 2 अनैचुरल 8/2 बस आंसर पर नेचुरल हो गया अब उल्टा वे मान लो 2/8 वे ठीक है 2/8 तो मैं इसको इधर लिखता हूं अगर दिखाई नहीं दे रहा 2/8 बस ची मतलब ची दो कुछ और पिन 8 नफर लस गोस तो बस लगाता जो ना 8 नफर कुछ नहीं सोच ची बात ग्रीन और टक पे बात ची ठीक है फिर बात दे एक एक में थोक पर तो ची में चेंजेस ना तो ये क्या सर तो मतलब ये है सर 2/8 2 1 सा 2 2 4 सा 8 1/4 ठीक है एक कुशी चार हिस्सा बस
एक हिस्सा एक मिया दी हिस्सा दी मिया दी हिस्सा दी में दी हिस्सा दी मिया ये चार ए उस पा कुशु चिट्टी लुसो दे आ चार हिस्सा बस सगा फे फे त्रिसो समझो सर जैसे कुशु हैं कोई भी कुशु कुशु इस तरह का कुछ होता है कुशु देख लीजिएगा कुशु नो मध्य हा चार हिस्सा बस है ना बराबर चार हिस्सा बराबर तो दू 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 चार नफा लगा ए उस बोले कुशी गौ दू चार हिस्सा बस सगा वन फोर्थ हो हाँ लेकिन The 1 divided by 4, yung kani answer po ina natural zarna ka to, yung natural man, chikhen, yung rational number. Tunga to nga chisong, natural number are not close under addition, under division, chikhen. To chibas, humne yahaan pe iska summarize karte hain, chikhen. To natural number closer, sunyamo, closer chi na closure property, sunyamo rishin chi zarna ka to, natural number plus nyamo close in jya natural number negative nyamo close man masum deha natural number multiplication nyamo close in natural number division nyamo close man in man theek da yani subtract na divide nyamo chacha man plus na in jya mo ho jati hai ye clear hai theek hai iska pause karke aaram se likhiyega theek hai तो आतेस ये चीज हो गया नेचुरल नंबर बारह डिस्कस हो गया अब आते हैं नेचुरल लिखने जो मैं जो होल ठीक है होल नंबर डब्ल्यू एच ओ एल ई होल होल नंबर मैथ्स एंड डब्ल्यू से डिनोट करते हैं होल प्लस नंबर चीज है नोक ठीक है सब्ट्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ दोनों डिवाइड नंबर चीज है नोक हम अभी डिस्कस करते हैं कोई भी दो होल नंबर लें देखिए होल नंबर नेचुरल बच्चे छार गिन गा प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर है ट्रू इन का तो वो दो होल नंबर है अल्टीमेटली ट्रू छे सिन ठीक है ग्राफ प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर है ट्रू इन का तो होल नंबर है ट्रू छे चैन क्लियर अब नेचुरल नंबर एडिशन के साथ क्लोज था तो यहां क्लोज छे सिन दिस होमवर्क आप खुद से देख लीजिएगा ठीक है नेचुरल नंबर अगर नेगेटिव नियमो क्लोज मसों मता पता में इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं या सच में नजर क्योंकि जो चार इक्लाशन लेकिन नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन नियमो क्लोज छा दिया सचिन ठीक है मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया सचिन नेचुरल नंबर डिवाइड नियमो मिछात या चा जरबा फिलहाल मंगे तो देखते हैं तो इसका क्लियर हो गया ठीक है गा दो होल नंबर या रेस देन और इसका सबट्रैक्ट वर्स सिंपल सा है जो जैसे मान लें जैसे अभी है टू है होल नंबर माइनस एट है होल नंबर टू माइनस एट दस चौवन सत्तम नेगेटिव ऑफ सिक्स नेगेटिव सिक्स होल नंबर ही ना मैन तो यहीं पे बंद हुआ यानी क्लोज नहीं हुआ इसी तरह डिवीजन में है इसी तरह सर डिवीजन में टू भी होल नंबर है डिवाइड कर एट भी होल नंबर है आंसर उसमें वन अपॉइंट फोर इन जो होल नंबर ना नेगेटिव नंबर है सॉरी नेचुरल नंबर है बेसिक डिफरेंशिएशन N0 में बाकी सब सोर्सिंग नंबर ठीक है नहीं इसका क्लियर हो गया क्लियर अब मैं होल नंबर क्यों मैं चुन रहा इंटीजर इंटीजर्स इंटीजर जट से डिनोट करता अब यह दे प्लस नियम हो चुप छार एक फैमिली की दियां ट्रू दुख यानी दियां ट्रू हो चुन नेगेटिव नियम हो जरबा मैन मल्टीप्लिकेशन नियम हो ट्रू इन जुआ डिवाइड नियम हो गा जरबा फिलहाल मैन ठीक है अब मैं तो सब्ट्रैक्शन के मिलते हैं यानी गा दो इंटीजर चिलन सब्ट्रैक्ट बोझ जोंखनी आंसर को यहां इंटीजर होने में नहीं होता ठीक है देखते हैं कोई भी दो इंटीजर उठाइए जैसे मैं तेज एस मान लो हमने उठाया सर 2 ठीक है नेगेटिव 2 इज माइनस 8 आंसर पे समोस नेगेटिव 6 इन नेगेटिव 6 इंटीजर जाना का तो हां इंटीजर है क्योंकि इंटीजर से नेगेटिव्स भी होती हैं ठीक है यहां पे क्लियर है ठीक है इस तरह मान लो आप नेगेटिव 2 प्लस 8 नेगेटिव 2 प्लस 8 समसों पॉजिटिव 6 ये भी है तो इंटीजर सब्ट्रैक्शन या मो हमेशा क्लोज सचे ठीक है मती यो मी वीडियो चल ठीक है ये जर्नल होगा कोई क्लास नहीं होगा जो अक्सर ला कंफ्यूजन रहती है ठीक है चाहे वो स्टूडेंट हैं चाहे वो टीचर्स हैं ठीक है चाहे वो बड़े लोग भी हों ठीक है कभी भी ये नहीं बता पाता एज इन जैसे जो -8 -8 इज इक्वल टू क्यों मत -16 दैट्स ऑल से +8 +8 16 ये ठीक है समझ लेते हैं राइट ऐसे -27 +8 ठीक है उनका आंसर पर नेगेटिव में आएगा तो दूनी का कंफ्यूजन है -8 -8 -16 जैसा हम से देखा हमको
ठीक है, तो इन पे हम डिस्कस करेंगे एक अलग सी वीडियो बनाते जा डिस्कस बचें, ठीक हो। और एक हमारे पास है जैसे नेगेटिव 8 इनटू नेगेटिव 8 आंसर को होती है अक्सर माइनस माइनस प्लस 8 64 जब होते हैं, ये माइनस माइनस प्लस 50 होते हैं, यानी माइनस इनटू माइनस प्लस चार प्लस इनटू माइनस माइनस चार ये छमी चार दस हुआ, ठीक है। मैथ संगाते शिक लॉजिक यूं चाहिए, ठीक है। तो दी काम आते हैं एक सेपरेट वीडियो जो चाहिए, ठीक है, वो एक जनरल होगा सबके लिए होगा, ठीक है, जो बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो ये समझो बस, हाँ, तो इंटीजर या सब्ट्रैक्शन एम्बुलेंस क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह डिवाइड में आप लोगों को देखना है दिया रहा होम अगेन, मतलब कोई भी दो इंटीजर ले लो डिवाइड बोस यूं खानी आंसर पे आऊं इंटीजर यूं ना विनर तो, ठीक है। तो चीजों समराइज करते हैं, इंटीजर पॉजिटिव या मो क्लोज है, नेगेटिव या मो क्लोज है, मल्टीप्लीकेशन या मो क्लोज है, डिवाइड या मो छचिन समेन जरखन पो यंतिस बचें, ठीक है। नता ये हो गया, आप देखते हैं नतिस प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू रैशनल नंबर। सबसे बड़ा का था सिस्टम पूछे तब से रैशनल नंबर, ठीक है, तो नतिस रैशनल नंबर ले, ठीक है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर उठाते हैं स्वयं मुझे जाने का। तो सबसे पहला रैशनल नंबर सबसे पहला आता है एडिशन के साथ, ठीक है, चूंकि इंटीजर ने वो क्लोज शेनो सुभ्या क्लोज छचैन छू इन दे, ठीक है, यानी दो रैशनल नंबर प्लस दो संख्या ने आंसर किया रैशनल छचैन, सब्ट्रैक्शन चूंकि इंटीजर ने वो छेनो सुभ्या छचैन, मल्टीप्लीकेशन चूंकि छेनो सु छचैन, डिवाइड चूंकि आता पता होमवर्क तास दियो यम होमवर्क छचैन, ठीक है, दियो इंतजाम बचैन। अब मैं तो छचैन जस रैशनल नंबर गट्स ऑफ प्लस बचें गट्स ऑफ सबट्रैक्ट बचें गट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन बचें जर कैन बहुत थोड़ा बहुत समझते हैं। सपोज ये लगा 1/2 हाफ का मस कलचें मतलब हाफ हाफ का हाफ कलचें, ठीक है, टकी छकी टकी छापो फेज जरें बा इसका जोड़ बना टकी चीचिल दन आंसर पे चिकची कौन से हैं गट्स ऑफ कैलकुलेशन गट्स ऑफ बचें यूज करने का। तो देखिए तीन केस होती हैं, सबसे पहला केस भी सोचता है मैं रैशनल नंबर ही नाम संग डिनोमिनेटर पे चेक बचे हैं न्यूमरेटर पे चेक बचे हैं, न्यूमरेटर मतलब खत ही खत डिनोमिनेटर ओपन, दो रैशनल नंबर नाम संग एरस प्लस का तो बना या सबट्रैक्ट का तो बना डिनोमिनेटर पे चुक से उतना तो इसके बरला ब्याज बचा और खत ही खत न्यूमरेटर पे प्लस बचा तो 1+1 आंसर समझो 2 ओपन 2 2 1 2 2 1 2 आंसर पे समझो 1 तो 1 आंसर आया, ठीक है। दूसरा केस सपोज ये इस टाइप का जैसे 1/2 + 1/4 है, 1/4 है तो जो सोचो डिनोमिनेटर को अलग अलग बच्चो तो क्या करना है दीस क्या छो गांव दो छो फोर दो आधे छो सुनसे मल्टीप्लीकेशन सुनसे एज इन मल्टीप्लीकेशन टेबल में आते कि नहीं आता मल्टीपल है कि नहीं है, यानी 4 2 मल्टीपल इन मैन इन 2 1 2 2 2 4 अगर इन ना ना 4 को आपको डिनोमिनेटर में लेना है और चिपचे खाते के चिपचे इंजीजर खान वो खाते के ध्यान से देखिए आप दिखा 1 2 में ना जिनकी ची होना इन 2 2 सम्स ऑफ 4 छा 2 2 जा तो 2 में मल्टीप्लाई तो प्लस एक तो 1 इन 2 4 सम्स ऑफ 4 छा 4 1 जा 4 तो 2 1 जा 2 1 1 जा 1 2 का 1 कल बना 3/4 तो खाने आंसर को 3/4 दो रैशनल नंबर इन क्लियर है। थर्ड केस हो मत 1/2 होतु जा प्लस 1/3 होतु दो छोड़ो लेकिन दो दी मल्टीपल एज इन क्या है मल्टीपल में 2 1 2 2 4 छ 3 इसका मल्टीपल नहीं है दिस इन एरर्स डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दो ने दो मल्टीप्लाई दो ने दो मल्टीप्लाई ये 3 ना 2 मल्टीप्लाई तो चीज हो 3 1 जा 3 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 3 के जाकर 5/6 देखिए दी केस में आयर इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय अनचेन लेकिन फालतू सचिन में दी आयर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय अनचेन में लेकिन फालतू आता हुआ कैलकुलेशन बढ़ जाता इसमें तो आपको करना ही करना है ठीक है। तो दी तीन टाइप होगा चाहे प्लस बचें चाहे माइनस बचें आंसर उन आपको उसी के हिसाब से आएगा अगर माइनस का तो बना आंसर पचीन शार बोस अगर का तो माइनस दी का बना यहाँ चीन शार बोस लेकिन मेथड को ध्यान आवेन ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमारा
खत्म हो गया क्या क्लास? रिवाइज पे, रिवाइज बस मतलब पहला घुमा हमने क्या पढ़ा प्रॉपर्टीज में, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल हमें सिस्टम को ऑपरेशन या मोगस और बिहेवियर को तो अचक बचे अगर का तो नेचुरल नंबर या होल नंबर या इंटीजर या रैशनल ग ऑपरेशन चिक बस योखानी आंसर पु यंग सिस्टम पे मत ना क्लोज चैन मैन ना क्लोज सिस्टम इन। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। दियो होमवर्क हो तो कहे होमवर्क जितना से दो बचा। आपकी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलती हैं। वस्सलाम वालेकुम, थैंक्स अ लॉट।